हेलो गाइस, राम राम सबने। और मैं आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हो गए। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ अंशुल। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ देखो व्योम खेल रहा है अपने गेम से। व्योम क्या है ये बेटू? आइसक्रीम ले लो। ये इसकी बुआ लेके आई थी इसके लिए इसके बर्थडे पे, और ये इसको बोलता ही आइसक्रीम ले लो है। ये नहीं कहता मम्मी आइसक्रीम वाला खिलौना दे दो या आइसक्रीम वाला टॉय दे दो। व्योम कहता है मम्मा आइसक्रीम ले लो दे दो, दादी आइसक्रीम ले लो दे दो। चलो गाइस, को अभी टाइम हो रखा है 7:30 और विकास आने वाले हैं, तो आज मैं कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम लोगों को दिखाऊं, और फिर मैं रिएक्शन देखूंगी कि मम्मी की क्या रिएक्शन है, विकास की क्या रिएक्शन है। और मैं व्योम के लिए बनाऊंगी चावल, जिसको कोई शायद पुलाव भी कहता होगा, क्योंकि व्योम सैंडविच नहीं खाता। सॉरी मैंने तुम्हें बता दिया, बट हाँ मैं सैंडविच बनाने जा रही हूँ। मैं बना रही हूँ सैंडविच मेयोनीज वाले और चाय। ये देखो मैंने चावल भिगो लिए हैं, प्याज काट लिए, आलू काट लिए, और टमाटर को मैं घिया कस करूँगी, क्योंकि फिर बच्चों के मुंह में आते हैं टमाटर, फिर वो थूक देते हैं। और ये मैंने भी कुकर चढ़ाया है, इसमें मैं बनाऊँगी। अच्छा गाइस, एक बात बताओ मुझे कि हम इसको घिया कस ही क्यों बोलते हैं? इससे तो हम टमाटर भी कसते हैं, इससे तो हम पनीर भी कसते हैं, इससे तो हम गोभी भी कसते हैं, तो इसको हम घिया कस ही क्यों बोलते हैं? जिसको इसका जवाब पता हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज करना, मैं बिल्कुल पढ़ना चाहूंगी और मुझे बहुत इंटरेस्ट आएगा उसका जवाब पढ़ने में। इसको घिया कस ही क्यों बोलते हैं? गाइस मैंने इसमें डाला है सरसों का तेल, क्योंकि हम सारी चीज सरसों के तेल में खाते हैं। अगर पराठे या फिर पूड़े बना रहे हैं तो वो हम देसी घी में बनाते हैं, बाकी वैसे हम पीली सरसों ही यूज करते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगी कि आप सब भी पीली सरसों यूज करें, या रिफाइंड प्लीज छोड़ दो गाइस, बिल्कुल अच्छा नहीं होता। हम तो पिछले एक साल से बिल्कुल भी रिफाइंड लेकर ही नहीं आए। तो सैंडविच की विधि कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि मैंने खीरा छील लिया है, शिमला मिर्च ले लिए, इसके भी मैंने अंदर का निकाल लिया, और मैंने टमाटर भी लिए हैं, तो उनका भी मैंने अंदर का पीए निकाल दिया है, बीज वगैरह। बताऊँ क्यों? क्योंकि ना फिर वो मेयोनीज के अंदर पानी पानी बना देते हैं, इसलिए मैं इसके भी बीज निकाल दूँ और इसके बीज निकाल दूँ। अभी मैं टमाटर काट रही हूँ, खीरा मेरा कट चुका है, शिमला मिर्च मेरी कट चुकी है, और मैं टमाटर काट रही हूँ ऐसे ऐसे छोटा छोटा। गाइस मेरी स्पीड कैसी है बताना, ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रखी है, मैं खुद काट रही हूँ। हाँ तो गाइस मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि टचवुड हमारे घर में एक ही चीज़ तो बहुत अच्छी है कि चाहे मैं जो बना दूँ वही खा के सो जाते हैं। ऐसी कोई स्पेशल डिमांड नहीं आती कि नहीं हमें तो रोटी चाहिए, नहीं हमें तो दाल चाहिए, या हमें चावल ही चाहिए, मतलब कोई परफेक्ट ऐसी डिमांड नहीं है। जो मैं बना देती हूँ मेरे घर वाले वही खा के सो जाते हैं, चाहे मैं ब्रेड पकौड़े बना दूँ रात को, मतलब मेरे मन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जो मेरा मन कर रहा है मैं वही बना देती हूँ और सब वही खा लेते हैं। तो जैसे आज मैंने सैंडविच बनाए हैं, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं सैंडविच से कोई पेट भरेगा मेरे लिए रोटी बनाओ, ऐसे ना मम्मी कहेंगे ना विकास कहेंगे। तो टचवुड ये चीज़ तो मेरे घर में बहुत अच्छी है। और गाइस आज तो मैंने सोचा था कि आज मैं फुल डे का व्लॉग बनाऊंगी, बट कल रात को व्योम को फीवर हो गया, तो फिर कल रात को मैं सो ही नहीं पाई सारी रात। व्योम के यहाँ पे माथे पे पट्टी रखी मैंने पानी की, और मैं सुबह 7 बजे सोई, तो 7 बजे सो के फिर मैं 10 बजे उठी, फिर सारा दिन ऐसे निकल गया, तो मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो सोचा चलो तो मैं डिनर का ही व्लॉग दिखा देती हूँ कि मैं डिनर में क्या बना रही हूँ क्या नहीं बना रही हूँ। गाइस देखो मैं अपने व्लॉग है ना इससे शूट करती हूँ, ये कैसा लग रहा है मेरा स्टैंड देखो, और मेरा फ़ोन और मेरा कवर कैसा है देखो। ये स्टैंड ऐसे भी बड़ा हो जाता है मेरा, ऐसे ऐसे, और ये ऐसे खुल भी जाता है ऐसे, देखो ऐसे। तो हम इसको ऐसे रख भी सकते हैं, इसको ऐसे रख भी सकते हैं। तो देखो मेरा सब कुछ कट चुका है, टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, और ये मैं सब सामान इसमें डालती हूँ, मेयोनीज, और फिर तंदूरी वाली मेयोनीज, पीरी पीरी मसाला, पिज्जा सीजनिंग्स और मिक्स्ड हर्ब। और खाया तो तुम लोगों ने भी होगा, तो तुम मुझसे पूछोगे कि इसमें प्याज क्यों नहीं है, तो मेरी जो सास है वो ओम शांति में जाती हैं, तो इसलिए वो प्याज नहीं खाती। तो मेरा अगर मन करता है तो मैं मम्मी के बनाने के बाद बचे हुए प्याज मिस कर लेती हूँ, पर आज मेरा मन नहीं है तो आज हम भी बिना प्याज वाले खा लेंगे। ये देखो हो गए भी उनके चावल रेडी। और गाइस पता है जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, जब मैं बहुत चावल खाती थी, और मेरे बेटे
और अब मेरे बेटे को भी चावल बहुत पसंद है। इसको जब पूछो भी हम क्या खाना तो कहता है मम्मा चावल बना दो। गाइस क्योंकि भी उनको बुखार है तो उसको आज दही नहीं देनी, तो इसलिए उसको मैं पिलाऊंगी दूध चावलों के साथ। ये देखो व्योम का मिल्क शॉट बनते हुए। लुक एट द साइज ऑफ दिस ग्लास, ये व्योम के शॉट्स हैं। ये देखो देखो विकास आ गया, और ये क्योंकि बारिश का मौसम है तो विकास गाड़ी चढ़ा के लाया था, तो मम्मी गाड़ी धो रही है। मम्मी चमका दी हो गया, बारिश का मौसम है ना ये धो ही जाता है। तंदूरी में ओनिस तो ना चार चांद लगा देती है, बहुत यम लगती है तंदूरी में ओनिस। थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च और हो गया। गाइस तो देखो मैंने ये चढ़ा दी है चाय 3 कप मेरे विकास की मम्मी की, और ये मेरी बिल्डिंग रेडी हो चुकी है, इसमें मैंने फिल कर दिया है, अब बस सेकना बाकी है। गाइस देखो हमारे पास है ना दोनों तरह के टोस्टर हैं, देखो एक तो ये टन, देखो इसको इसमें ब्रेड रख के ऐसे ब्रेड रख के इसको ऐसे बंद कर दो और फिर इसको फिर गैस पर रख के बनाओ, और ये दूसरा है मेरे पास ग्रिल वाला जिसमें लाइन 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 आती है इलेक्ट्रिक है। तो कितना अच्छा हुआ करता था ना पहले जब सब कुछ मैनुअल हुआ करता था, और अब सब कुछ इलेक्ट्रिक हो गया है। बट ठीक है एडवांस, ठीक है टेक्नोलॉजी तो आती जाती रहती है, बट ठीक है लाइन वाला भी अच्छा लगता है, तो मैं इसमें भी बनाऊंगी और उसमें भी बनाऊंगी, देखते हैं किसमें अच्छा बनता है। गाइज ये देखो मुझे लग रहा है ये तो पोपट हो गया मेरा, देखना क्या हुआ ये, पर खच्चे उड़ गए इसके तो, पता नहीं मुझे यूज़ करना नहीं आया, ये हो ही रखा है ख़राब। और ये देखो वाओ ये कितने अमेजिंग बने हैं, और मेरी चाय भी रेडी है, बताती हूँ क्या बना रही हूँ। मम्मी के खाओगे आज डिनर में? जो बनाऊंगी वही खा लेंगे। बताऊँ क्या बनाऊँ? बताओ क्या बनाओ है। ये मम्मा ने क्या बनाया आज डिनर में? मेयोनीज वाले सैंडविच। कैसे लगते हैं? मम्मी ने सैंडविच बना दिए सैंडविच। दादी को कैसे लगते हैं सैंडविच? विकास को बताते हैं, चलो विकास को। आज मैं डिनर में मेयोनीज वाले सैंडविच बना रही हूँ। आओ काले भूत लग रहे हो तुम इस तरफ से। कैसे लगते हैं तुम्हें सैंडविच मेयोनीज वाले? अच्छा ये बताओ तुम सैंडविच खा के सो जाओगे? सैंडविच और चाय और क्या चाहिए जिंदगी में सोने के लिए? और कुछ नहीं चाहिए ना? मम्मी आप भी सो जाओगे इसे सैंडविच खाकर? नहीं चाहिए और कुछ? अभी हमने अपने चावल खाए नहीं है, तो चलो मैं लेकर आती हूँ सैंडविच। और गाइस पता है मम्मी ने पहले शटर पटर ना बिल्कुल नहीं खाती थी, और शादी बाद मैंने बनाना शुरू करा, अब मम्मी सब कुछ खाती है। मम्मी मौसी क्या कहती है बताना? मम्मी पहले नहीं खाती थी, पहले थे टिकड़ पाड़, अरे भी खा ले सबके, मैं जो बना दू वही खा ले, बस प्याज का नहीं होना चाहिए बाकी सब कुछ खा ले। भाई सब का डिनर सब ने खा लिया, मजा आ गया, और देखियो मैंने कर रसोई का की हाल मचा दिया। अब चलो इसको सफाई करते हैं इसकी, और ये तो किसी ने खाया ही नहीं, तो अपने करे हुए कांड को समेटते हैं और करते हैं व्लॉग का यहीं पे एंड। और सब बताना कि व्लॉग कैसा लगा, और कमेंट जरूर करना गाइज, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना चैनल को। बाय बाय, गुड नाइट।